अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। पहली बार जो है वो मैं YouTube से जो है वो वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ, और मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने जो है वो Facebook पे वीडियोस डालने शुरू की थी, तो फर्स्ट टाइम जो है वो YouTube में वीडियो डालने लगा हूँ। और लोगों को नहीं पता होगा मैं कौन हूँ, तो भाई मेरा नाम जो है वो रिजवान है, ठीक है। मैं आप लोगों के दरमियान से ही उठ के आया हूँ इस तरफ, और कुछ नया स्टार्ट करने का सोचा था। तो एक काम करते ना, गाड़ी स्टार्ट करते और रास्ते में चलते हुए आपको बताते कि किस्सा क्या था और क्यों कर रहा हूँ मैं। पहले राइड स्टार्ट करते ही, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि मैं YouTube पे क्यों आया और मैं वीडियोस क्यों बनाने लगा। तो यार इसका सबसे पहला रीज़न तो है ना वो ये था कि कीड़ा काटा था मेरे अंदर, और मैं YouTube में जो है वो मैं देखता था व्लॉग्स, अभी भी देखता हूँ, बहुत सारे चैनल्स हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे कंटेंट्स बनाए, तो मेरे अंदर भी कुछ इस तरह का सूझ रहा था कि मैं करूँ, मैं भी बनाता हूँ, क्योंकि YouTube से अर्निंग कर रहे हैं लोग। अच्छा, लेकिन मैंने जो है वो पहली वीडियो एज ए एक्सपेरिमेंटल बनाई थी, और रिलेटेड टू जॉब इशू। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो वो वीडियो मैंने ऐसे फेसबुक पे डाली थी, और वो टोटली रिलेट कर रही थी वो सोसाइटी इश्यूज के अंदर। तो मैंने जो है वो सोचा यार, अगर मैं इस तरह की कुछ वीडियोज़ में डालूँ जो कि टोटली बेस्ड ऑन रियलिटी, तो मे बी शायद लोगों का इंटरेस्ट बन जाए। हमारा पता है मसला क्या है, हम दुनिया की रियलिटी जो है ना वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। हम जो है वो लोग ये समझते कि यार हम किसी से बोलेंगे नहीं ना, तो बोले बगैर भी काम हो जाएगा, या कोई और बोले हमारे बिहाफ पे। तो भाई एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि तुम्हारे मसलों के लिए दूसरा कभी भी नहीं बोलेगा। तुम्हारे मसलों के लिए जो है ना वो सबसे पहले तुम ही को बोलना है। तुम ही जब सोचते हो इस बारे में तो सबसे पहला राइट तुम्हारा है। हमारी जो यहाँ कौम है ना, उनके पास सबसे बड़ा इशू यही है कि उन्हें ये नहीं पता कि उनके राइट्स क्या है। उनके राइट्स में जो है ना एक चीज़ ये है कि वो बोलना, आप जो है वो आपके पास पूरा हक है कि आप जो है वो बोलो, ठीक है। तो मैंने भी यही हक इस्तेमाल किया, लेकिन मैं कोई वो बातें नहीं कर रहा कि जैसे हुकूमत वाली बातें होती है, लेकिन मैं जो है वो जर्नली तौर पे जो लोग जो मसले मसाइल फेस करते हैं, नॉट रिलेटेड टू जॉब्स, नॉट रिलेटेड टू मोहब्बत, नॉट रिलेटेड टू फलाना दिमागा, लेकिन जो रियलिटी है ना लोगों की जो फेस करते हैं, तो वो चीज़ जो है डिस्कस करना इस प्लेटफॉर्म पे। अब के यार अगर आप जो है वो आपको कोई मसले मसाइल है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप बोलो। तो ये मेरा मोटिव था, और फिर जो है वो आप लोगों के प्यार और जो है वो सपोर्ट से, और जो फेसबुक पे जो मुझे कमेंट्स मिलते थे वो मैं पढ़ता था, मुझे ये कहते थे कि चैनल बना दो। मैंने पहले सोचा कि यार अगर मेरा जो कंटेंट है जो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली लोगों को अगर पसंद आ रहा है, अगर वो मेरी फ्रेंड सर्कल को पसंद आ रहा है या मेरे जो है वो फेसबुक फ्रेंड्स को पसंद आ रहा है, तो ये यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं उनको भी पसंद आएगा। तो मैंने जो है वो चैनल बना दिया, और देन फिर अब इंशाल्लाह जो है वो मेरी कोशिश रहेगी कि जो है वो मैं इस चैनल के साथ कंटिन्यू करूँ। पर फर्ज़ करो आपने जो है वो एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, किसी भी डोमेन के हवाले से, तो आप जो है वो सबसे पहले उन लोगों को टारगेट करते हो जो आपके करीबी हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को टारगेट करते हो, ठीक है, आप अपनी फैमिली या अपने जो है रिलेटिव्स हैं उनको टारगेट करते हो, आपके जान पहचान वाले होते हैं उनको टारगेट करते हो। देखो, बिजनेस को सपोर्ट करने का क्या मतलब है कि आप उसके प्रोडक्ट को खरीदो, ठीक है, फर्स्ट टाइम, और फिर आप उसके प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि यार मेरे दोस्त ने जो है वो ये लॉन्च किया है, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मुझे यूज़ करने में अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। तो आप उसको पहले बताओ कि यार इस प्रोडक्ट में ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, फिर ये प्रोडक्ट तुम्हारा अच्छा बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना आप बिज़नेस सपोर्ट करते हो, सही है। इस रेदर देन ये नहीं होता कि भाई डिस्काउंट कितने का मिलेगा तो मैं आके प्रमोट करूँगा, या इन रिटर्न क्या मिलेगा, या वो पेड प्रमोशंस होती है। अब वो अलग बात है कि पेड प्रमोशंस वाले जो अलग से कमाते हैं। तो बिज़नेस सपोर्ट करने के लिए ना सबसे पहले
आप उसके प्रोडक्ट को खरीदो और फिर जाके जो है वो उसके ऑनेस्ट रिव्यू देके, अगर सही है तो आप पब्लिक में बताओ, अगर नहीं है तो प्राइवेट में आके उसको समझा दो कि यार ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लो, फिर प्रोडक्ट अच्छी हो जाएगी। मैं भी यही जो है वो चाहता हूँ कि अगर आप जो है वो मुझे बताओगे कि मैं किस तरीके से अपना चैनल में जो मैं कंटेंट बोलता हूँ मैं उसको किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। चीज़ रह गई कि मेरे इस चैनल पे आपको और क्या क्या मिलेगा सिवाय इस बातों के। मैं कोशिश करूँगा कुछ करूँगा कि जो है वो ट्रैवल व्लॉग्स या फूड रिव्यूज टाइप की कोई चीज़ होती है उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ लेके आऊँ नहीं जो कभी किसी ने की नहीं हो। बहुत मुश्किल है लेकिन कोशिश करेंगे। जिस तरह से ये लाइव डिस्कशन होती हैं ये तो होती रहती है, लेकिन इसके अलावा भी मैं जो उसको जो है वो मैं अभी प्रायोरिटी पे नहीं रख रहा, तो जैसे जैसे जब मैं बिल्ड करेंगे उसके बाद फिर जो है वो इस पर ब्लॉग का एंड करते हैं। और इस बात से एंड करते हैं कि आप लोग जो है वो अपना और अपने प्यारों का जो है वो बहुत ख्याल रखेंगे, ठीक है, सेफ रहें और घूमें फिरें लेकिन एहतियात के साथ। रिव्यू टॉक्स साइन आउट।